शिवपुरी जिले के पिछोर बुदना नदी में गिरी कार से लापता एडीपीओ राकेश रोशन की लाश घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मिली। रेस्क्यू टीम सोमवार से एडीपीओ की तलाश में जुटी थी। पिछोर न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी राकेश रोशन रविवार शाम को अपने साथी शिवम गुप्ता के साथ घर से निकले थे। इसके बाद सोमवार सुबह उनकी कार बुदना नदी के पुल के नीचे मिली। कार में शिवम का शव था। देर शाम तक नदी में एडीपीओ की तलाश की गई। अंधेरा होने पर रेस्क्यू बंद कर दिया गया। आज सुबह फिर तलाश करने पर दोपहर करीब 12 बजे उनका शव मनगुली गाँव के पास मिला। घटना कुछ इस प्रकार बताई जा रही है। केदार सेन जो कि पिछोर में हेयर कटिंग की दुकान चलाता है, वहीं एडीपीओ के क्वार्टर के सामने केदार की कटिंग की दुकान है। घटना वाले दिन रोज की तरह केदार अपने घर गैस सिलेंडर लेकर जा रहा था। केदार ने बताया कि एडीपीओ साहब ने कहा कि तुझे हम छोड़ देंगे, हमें भी वहीं कुछ काम है। केदार सेन एडीपीओ की गाड़ी में बैठ गया। एडीपीओ के साथ मृतक शिवम निगोती भी साथ चला गया। एडीपीओ ने केदार को उसके गाँव छोड़ दिया। भारी बारिश होने पर केदार ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वे नशे की हालत में थे और वहां से अपनी कार से निकल आए। भारी बारिश होने से पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा था। एडीपीओ महोदय ने पुलिया की तेज भाव में अपनी 4-व्हीलर कार निकालने का प्रयास किया, जिससे कार का संतुलन बिगड़ गया और तेज भाव से गाड़ी पानी में बह गई। शिवम गुप्ता गाड़ी में ही फंस गया और एडीपीओ महोदय गाड़ी से बाहर निकल गए। वहीं घटनास्थल के 5 किलोमीटर दूर मनगुली गांव के पास 2 दिन बाद एडीपीओ राकेश रोशन का शव रेस्क्यू टीम ने आज ढूंढ निकाला है। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? केदार सेन। केदार, ये जो घटना हुई एडीपीओ साहब की पानी में डूबने से मौत हुई और एक युवक की मौत हुई, कैसे हुई ये घटना, क्या जानकारी है? ये मेरे दरवाजे से मुझे बिठाने के लिए गए। कहाँ से? दुकान के दरवाजे से। हाँ, तो बोले हम उसी तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो ये छोड़ देंगे। मैंने कहा मैं तो चला जाऊँगा, आप निकल जाओ। नहीं नहीं, बोले मुझे जाना ही, तू फालतू में क्यों परेशान होगा, क्यों बुला लिया बाइक वगैरह, चलो ठीक है मुझे छोड़ देना। तो वहाँ घर पे पहुँचे। कौन से गाँव? सुजबा। हाँ, फिर सुजबा पहुँच कर मैंने अपने सिलेंडर उतारे दोनों। सिलेंडर उतार के मैंने कहा सर रुक जाओ, खाना मीन खा के और आप सो जाना, सुबह चले जाना। नहीं नहीं, बोले 2 मिनट में अभी हाल निकले जाते हैं, हमें चौकी पर काम है थोड़ा बस, इसके बाद मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ये मतलब और कौन था इनके साथ? गोपू। गोपू? गोपू, दोनों जो लोग थे। हाँ, दोनों। अच्छा, तो ये मतलब जब ये पुलिया से निकले तब पानी का बहाव कम था? कम था। और उसके बाद? उसके बाद मुझे पता नहीं जी। पानी बरसा था क्या? पानी तो बहुत तेज बरसा था। अच्छा, तो बहाव बढ़ गया। बहाव बढ़ गया, बहाव तो बहुत तेज पानी बरसा था। अच्छा, को मतलब सही हालत में थे कि? पिए थे, थोड़ी बहुत पिए थे। नशे की हालत में थे दोनों लोग थे कि? दोनों। हाँ। अच्छा, तो आप कुछ रखी ये थी? अच्छा, आपके साथ ही थे ये? हाँ। आपको छोड़ने गए थे? हाँ। तो वहाँ से जब निकले फिर आपको कोई पता नहीं? नहीं, फिर मुझे पता। कब जानकारी मिली कि ये? सुबह जब गोपू के पापा ने मुझे फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तब जानकारी मिली आपको? तब जानकारी। सर जी, ऐसा पता चला है कि एडीपीओ साहब का सब मिल गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कल बुदना नदी में एक हुंडई कार मिली थी जिसमें गुमशुदा शिवम गुप्ता का शव बरामद हुआ था और जो गुमशुदा उनके साथ ही हुए थे श्री राकेश रोशन जी, उनकी तलाश में हमारी SDRF की टीम लगातार कल से जुटी हुई थी। तो आज लगभग 11:15 बजे के आसपास बुदना नदी में ही जहाँ कार मिली थी वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर आगे शव मिला हुआ है, जिसकी पहचान ADPO साहब राकेश रोशन जी के रूप में हुई है।